हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आप सभी ठीक है ना? और घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई का काम कर रहे हैं ना? ठीक है, आज हम क्लास थर्ड की साइंस करेंगे। साइंस मतलब जीके और आसपास की बुक में से चैप्टर करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, तुमने भी बहुत सारे जानवर देखे होंगे, उनमें से कौन से जानवर सबसे पहले लिखा है? उड़ते हैं, रेंगते हैं, चलते हैं, फुदकते हैं, पंख वाले, पैर वाले, पूंछ वाले। सबसे पहले हम देखते हैं उड़ते हैं, तो हम सबसे पहले उड़ते में लिखते हैं तितली, और हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं कबूतर, और तीसरे हैं उड़ने में जो आता है तोता। ठीक है, अब देखिए रेंगते हैं, रेंगने में और रेंगते हैं, हम जो रेंगते हैं जानवर उसमें लिखते हैं छिपकली सबसे पहले। हाँ, दूसरे में लिखते हैं हम सांप, रेंगता है ना ये भी। फिर कछुआ, देखा होगा कछुआ को तो आपने। ठीक है, अब देखिए चलते हैं, जो जानवर चलते हैं जैसे गाय के चार पैर होते हैं, गाय चलती है ना, और भैंस भी चलती है, और बकरी के भी चार पैर होते हैं, बकरी भी चलती है। ठीक है, अब फुदकने वाले, फुदकने वालों में कौन से जानवर आते हैं? सबसे पहले मेंढक, अब दूसरे नंबर पे हम लिखेंगे कंगारू, अब हम तीसरे नंबर पे लिखते हैं जो फुदकते हैं, खरगोश भी तो खुद फुदकता है ना। ठीक है, हम खरगोश लिखते हैं। ठीक है, अब ये देखिए पंख वाले, पंख पंख में तो हम जैसे तितली के भी पंख होते हैं, कबूतर के भी, तोते, कौवे, सबके, तो हमें तीन लिखने हैं, तो सबसे पहले हम लिखते हैं कबूतर, फिर हम लिखते हैं कोयल, और तीसरे नंबर पे जिसके पंख होते हैं हम लिखते हैं मैना। अब पैर वाले, पैर वाले जैसे पैर वाले गाय भी होती है, भैंस भी, बकरी भी, जिसके पैर होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं गाय, बकरी और भालू। अब देखिए पूंछ वाले, पूंछ वाले, पूंछ में बंदर, बंदर की पूंछ होती है ना, हम बंदर लिखते हैं इसमें। फिर और किसकी पूंछ होती है? भैंस की पूंछ होती है ना, और किसकी होती है? गाय की भी पूंछ होती है ना, हम तो गाय लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बच्चों अब तो आपको पता चल गया ना कि अलग अलग जानवर जैसे पूंछ वाले, पंख वाले, फुदकने वाले, रेंगने वाले। ठीक है बच्चों, अब आप घर पे बैठ के इसकी प्रैक्टिस करना। ओके, थैंक यू।